हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। हार्दिक स्वागत है, मैं हूँ प्रगति। आज हम विज्ञान का एक अध्याय पढ़ेंगे अम्ल क्षार और लवण के बारे में। तो क्या होता है अम्ल क्षार और लवण, आइए हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में, अम्ल क्षार और लवण के बारे में। तो क्या होता है अम्ल, यानी अम्ल को हम इंग्लिश में कहते हैं एसिड, और क्षार को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेस, और लवण को क्या कहते हैं सॉल्ट। तो हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करें अम्ल के बारे में, अम्ल क्या होता है, बात आती है अम्ल क्या होता है। अम्ल या एसिड, तो यह एसिड होता क्या है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। सबसे पहले तो हम अम्ल की पहचान करने के लिए हम उसका टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट करके कैसे पता चलेगा कि वो खट्टा होता है इसका टेस्ट। जैसे कि अम्ल का टेस्ट कैसा होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं सौर, यह कैसा होता है खट्टा होता है। दूसरी क्वालिटी क्या होती है अम्ल की, यह जो होता है क्या करता है, यह नीली लिटमस को लाल कर देता है, कैसा कर देता है, यह लाल कर देता है अम्ल। अम्ल की पहचान कैसे कर सकते हैं हम, या तो हम इसे कह सकते हैं कि यह अम्ल का स्वाद जो होता है वह खट्टा होता है, और दूसरा अम्ल जो होता है कि नीली लिटमस को लाल कर देता है। लिटमस क्या होता है, लिटमस एक प्रकार का पेपर होता है जिसको कि अम्ल में भिगोने पे या अम्ल में डालने पे, अम्ल से टच कराने पे वह लाल हो जाता है। तो यह हमारी अम्ल की दूसरी पहचान हो गई, क्या करता है अम्ल, जो है नीली लिटमस को वह लाल कर देता है। नीली लिटमस को लाल कर देता है। हमने क्या जाना अम्ल के बारे में, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, और अम्ल क्या करता है, नीली लिटमस को लाल कर देता है। ये हमने दो क्वालिटियां जानी अम्ल के बारे में, अम्ल की पहचान के लिए। तीसरी बात क्या होती है अम्ल में, तीसरी बात यह होती है कि यह जल के साथ क्रिया करने पर H+ आयन देता है। अम्ल क्या करता है, जल के साथ जब यह H2O के साथ क्रिया करता है तो यह H+ आयन देता है। When it dissolve in water, it gives H+ आयन, क्या देता है यह H+ आयन देता है। जल के साथ अभिक्रिया करने पर H+ आयन देता है, जल के साथ अभिक्रिया करने पर H+ आयन देता है। तो अम्ल की पहचान करने के हमने तीन तरीके बता दिए यहाँ पे कि क्या होता है अम्ल में, अम्ल का स्वाद जो होता है वह खट्टा होता है, और यह नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, और तीसरा क्या होता है, यह जल के साथ अभिक्रिया करने पर H+ आयन देता है। ये तीन क्वालिटियाँ हो गई अम्ल की, हमारी अम्ल की पहचान करने की। तो अम्ल के बारे में हमने क्या जाना, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, सावर होता है, यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, और यह जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या देता है, H+ आयन देता है। ये होंगे हमारी अम्ल की पहचान। अब अम्ल में जो होते हैं, कुछ होते हैं स्ट्रांग एसिड होते हैं, यानी स्ट्रांग मतलब मजबूत अम्ल, और कुछ होते हैं वीक एसिड होते हैं। अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और एसिड कितने प्रकार के, दो प्रकार के, स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड। तो हम स्ट्रांग एसिड में कौन कौन से एसिड आते हैं, HNO3, HCl,
H2SO4, ये सारे हमारे कैसे एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड की कैसे पहचान करेंगे और वीक एसिड की कैसे पहचान करेंगे, इसके बाद हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अम्ल की पहचान करने के लिए एक और तरीका है कि अम्ल की पहचान हम पीएच स्केल या पीएच मान के द्वारा भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो एक पीएच स्केल आती है भौतिक विज्ञान में, जो पीएच स्केल के द्वारा हम अम्ल की पहचान कर सकते हैं। पीएच स्केल पर 0 से 14 तक के नंबर होते हैं, जिससे कि हम अम्ल को 0 से 7 के बीच में अगर आती है वैल्यू, तो वह हमारा हम जान जाएंगे कि वह पदार्थ कैसा है, अम्लीय है या अम्ल की मात्रा उसमें ज़्यादा पाई जाती है। तो हमारी अम्ल की पहचान करने के लिए हमने 3 चीज़ें बताई कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है या नीले लिटमस को लाल कर देता है, और ये जल के साथ अभिक्रिया करने पर H+ आयन देता है। तो हमने जाना अम्ल के बारे में, अब हम इसके बाद बात करते हैं क्षार के बारे में। क्षार को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्षार का स्वाद से, अब हम क्षार को, अम्ल को तो हमने जान लिया कि अम्ल को हम का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। अब हम जानेंगे क्षार के बारे में, क्षार का स्वाद कैसा होता है, ये कड़वा होता है, बिटर टेस्ट आता है इसमें। कैसा टेस्ट आता है, कड़वा, यानी कि बिटर टेस्ट आता है क्षार का। यह कैसा होता है, यह कड़वा होता है। यह कड़वा होता है। दूसरी इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने अम्ल में पढ़ा, अम्ल में मैंने बताया कि यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, बट क्षार में क्या होता है कि यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार की क्या होती है, गुड़ क्या होता है, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसके हम इसका स्वाद कड़वा होता है और यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। और यह जल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सा आयन देता है, OH आयन देता है। अम्ल जो था जल के साथ अभिक्रिया करने पर वह H+ आयन देता था, बट जो क्षार होता है यह जल के साथ अभिक्रिया करने पर OH आयन देता है। तो हमें क्या जाना, व्हेन इट डिसॉल्व विथ वाटर, व्हेन बेस डिसॉल्व विथ वाटर इट गिव्स अस अ OH आयन, मीन्स यह जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह OH आयन देता है। इसका स्वाद कड़वा होता है, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, और यह जल के साथ अभिक्रिया करने पर हमें कैसा आयन देता है, OH आयन देता है। तो हमने क्या जाना, अम्ल का स्वाद जो होता है वह खट्टा होता है, और वह नीले लिटमस को लाल कर देता है, और वह जल के साथ अभिक्रिया करने पर हमें H+ आयन देता है, जबकि जो क्षार होता है यह कड़वा होता है, कैसा स्वाद होता है इसका, बीटर होता है,
और क्या, जब इट डिसॉल्व विथ वाटर देन इट गिव्स OH माइनस आयन एंड जो इसका कलर होता है लाल लिटमस को जो है या नीला कर देता है, या क्षार के गुण होते हैं, या क्षार के बारे में हो गया। तो हमने अम्ल और क्षार के पहचान करना सीख लिया। और हाँ, क्षार का पीएच स्केल से क्षार की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। पीएच वैल्यू के बारे में हम भी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, पीएच मान कैसे निकालते हैं। तो ये हम नॉर्मली कैसे पहचान करेंगे अम्ल और क्षार के बारे में, ये हमने जान लिया कि क्षार का स्वाद जो होता है वह कड़वा होता है और अम्ल का स्वाद जो होता है वह कैसा होता है, खट्टा होता है। और लिटमस पेपर के थ्रू भी हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ली है और कौन सा पदार्थ क्षारी है। कुछ जो होते हैं हमारे, मैंने जैसे कि बताया कि कुछ एसिड जो होते हैं वो होते हैं स्ट्रांग एसिड होते हैं, कुछ होते हैं वीक एसिड होते हैं। तो उसको जानने से पहले हम जानते हैं लवण के बारे में। अम्ल और क्षार की पहचान तो हमने कर ली, लेकिन अब लवण क्या होता है यानी साल्ट क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लवण क्या होता है? ये कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं? या उदासीन होते हैं। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके कैसे क्या देते हैं? लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लवण प्राप्त होता है, यानी कि साल्ट प्राप्त होता है। और यह कैसा होता है? यह उदासीन होता है। तो कैसे होते हैं लवण? लवण जो होते हैं वह उदासीन होते हैं। या जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो यह लवण यानी साल्ट और वाटर के रूप में फॉर्म्ड होते हैं। तो उस क्रिया को हम उसमें हम लवण को प्राप्त करते हैं। मीन्स लवण कैसे प्राप्त होता है? यह अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने पर हमें लवण प्राप्त होता है, अम्ल प्लस क्षार। लवण और यह कैसा होता है? यह उदासीन होता है। कैसा होता है? यह उदासीन होता है। यह उदासीन होता है। और अम्ल और क्षार से अभिक्रिया कराने पर हमें लवण प्राप्त होता है, लवण और जल का रूप प्राप्त होता है। When we react acid with a base, then it gives salt and water form. Means जब हम अम्ल और क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लवण और जल का रूप यानी H2O form प्राप्त होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार से अभिक्रिया कराने पे हमें लवण प्राप्त होता है। और यह कैसा होता है? उदासीन होता है। और जो पीएच वैल्यू पे अगर हम इसके मान को प्राप्त करते हैं वह होता है 7, यानी कि सबसे मध्य का जो यानी 7 पीएच वैल्यू जो होती है लवण की क्या होती है? वह 7 होती है। वहाँ पर यह उदासीन होता है। तो अब इस हमने अम्ल की पहचान कर ली, क्षार की पहचान कर ली और लवण के बारे में जान लिया कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। लवण और पानी के रूप में प्राप्त होते हैं यानी जल H2O के फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। और यह कैसा होता है? उदासीन होता है। तो हमने अम्ल के बारे में जाना कि अम्ल के स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। और क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। और अम्ल में क्या होता है? वह नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार जो होता है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो हमने अम्ल क्षार और लवण की पहचान करना तो सीख लिया। अब अम्ल क्षार और लवण में भी कुछ प्रकार होते हैं और इनकी पहचान होती है और पीएच मान के द्वारा भी हम इसको कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में हम अब इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है अम्ल में? अम्ल में जो होते हैं तीन अम्ल होते हैं जो कि बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो जिसमें कि हमारा HNO3 आता है, H2SO4 आता है और HCl आता है। ये तीन अम्ल होते हैं जो अम्लराज कहे जाते हैं या स्ट्रांग एसिड कहे जाते हैं। तो आइए हम स्ट्रांग एसिड के बारे में डिस्कस करते हैं इसके बाद।
स्ट्रॉन्ग एसिड। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा क्या होता है? वीक एसिड। अम्ल दो प्रकार का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन से आते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। मैंने बताया HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिडम यानी HCl, और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। तो उसके बारे में हम लिखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में हम लिखने जा रहे हैं। H2SO4, इसे हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यह कैसा एसिड होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और इसे क्या कहते हैं? हम अम्ल राज कहते हैं। यह अम्ल राज होता है और किंग ऑफ केमिकल भी होता है। यह किंग ऑफ एसिड एंड किंग ऑफ केमिकल। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम क्या कहते हैं? किंग ऑफ एसिड और किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। यह अग्निशामक यंत्र में प्रयोग किया जाता है। H2SO4 का काम उपयोग करते हैं अग्निशामक यंत्रों में, और बैटरी में भी इसका यूज किया जाता है। H2SO4 का बैटरी में यूज किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग हम कहाँ कहते हैं? बैटरी में उपयोग किया जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं? किंग ऑफ एसिड एंड किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। और यह कैसा एसिड होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसे हम क्या कहते हैं? किंग ऑफ एसिड एंड किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ एसिड एंड किंग ऑफ केमिकल कहते हैं H2SO4 को। किंग ऑफ एसिड एंड किंग ऑफ केमिकल कहते हैं H2SO4 को। अब दूसरा एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? HNO3 और HCl। तो आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या होता है HNO3 और HCl में, उसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कहते हैं। यह किंग ऑफ एसिड होता है और इसे बैटरी में यूज किया जाता है। और यह स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब दूसरा होता है HNO3। या इसको क्या कहते हैं? हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं या नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड। तो क्या होता है नाइट्रिक एसिड में? यह उपयोग किस में किया जाता है? यह विस्फोटक बनाने में उपयोग किया जाता है। यह स्ट्रॉन्ग एसिड किस में यूज किया जाता है? विस्फोटक बनाने में और रासायनिक अभिक्रिया में यूज किया जाता है। तो और इसका और एक जगह उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? अम्ल राज बनाने में उपयोग किया जाता है। विस्फोटक बनाने में, अम्ल राज बनाने में और रासायनिक अभिक्रियाओं में इसका उपयोग किया जाता है। यह भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HNO3, जिसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या होता है नाइट्रिक अम्ल? इसका उपयोग कहाँ होता है? विस्फोटक बनाने में उपयोग किया जाता है। विस्फोटक बनाने में
और अम्ल राज बनाने में। अम्ल राज बनाने में इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? विस्फोटक बनाने में और अम्ल राज बनाने में किया जाता है। और यह स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसका क्या होता है रासायनिक नाम क्या होता है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल कहते हैं और यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एक रूप है। और इसका विस्फोटक बनाने में जो उपयोग किया जाता है उसमें कई टाइप होते हैं। TNT, TNB, ट्राई नाइट्रो बेंजीन, ट्राई नाइट्रो ट्राइलीन, ऐसे करके इसमें विस्फोटक बनाने में जो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है उसमें जो लगता है उसके भी पार्ट डिवाइडेड है। TNT, TNB, TNP और TNG, ऐसे करके विस्फोटक बनाने में जो अम्ल का उपयोग किया जाता है उसके भी पार्ट है। तो यह हमने जाना HNO3 के बारे में। यह स्ट्रांग एसिड का एक टाइप है। क्या होता है जिसे हम HNO3। और मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी, क्या बताया था मैंने कि जो एसिड होते हैं वह क्या करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करने पर H+ आयन देते हैं। तो हम इसको यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को हम इससे हम कैसे निकल डिफाइन करेंगे, तो जब हम HNO3 को हम जब जल से अभिक्रिया कराते हैं HNO3 को, तो हमारा क्या प्राप्त होता है? जल से अभिक्रिया कराने पे हमें क्या प्राप्त होता है? एसिड का, ये तो हमें पता चल गया। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है कि स्ट्रांग एसिड होता है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? विस्फोटक बनाने में और अम्ल राज बनाने में उपयोग किया जाता है। अब यह जल से अभिक्रिया करके कैसे हमें H+ आयन देता है उसके बारे में जान लेते हैं। HNO3 जल से अभिक्रिया करने पे हमें H+ आयन देता है। NO3 2-। तो ये हमारा क्या हो गया HNO3, ये हमारा देखिए यहाँ पे H+ आयन दे रहा है। ये क्या दे रहा है हमें? H+ आयन दे रहा है। तो यह नाइट्रिक अम्ल हमारा क्या दिया? H+ आयन। जैसा कि मैंने बताया था कि क्या बताया था कि अम्ल जो होते हैं जल के साथ अभिक्रिया करने पर H+ आयन देते हैं। यानी यहाँ पे अगर हमने जल के साथ इसकी अभिक्रिया कराई, H2O के साथ इसकी अभिक्रिया कराई, तो यहाँ पे हमें H+ आयन और NO3 2- आयन यह हमें प्राप्त होता है। तो यह हमारा कैसे हमने इसकी पहचान भी कर ली कि यह हमारा अम्ल है। अम्ल जो है जल के साथ अभिक्रिया करने पर हमें H+ आयन देते हैं। तो ये हमारी अम्ल की भी पहचान हो गई। और नाइट्रिक अम्ल किसमें उपयोग किया जाता है? विस्फोटक बनाने में उपयोग किया जाता है। और किसमें उपयोग किया जाता है? अम्ल राज बनाने में उपयोग किया जाता है तथा रासायनिक अभिक्रियाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में। HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में, यह क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसका उपयोग किसमें किया जाता है? इसका भी उपयोग अम्ल राज बनाने में किया जाता है। HNO3 जैसे कि हम अम्ल राज अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम अगर अभिक्रिया यानी रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू प्राप्त करते हैं तो कैसे होगा? HNO+3HCl हमने ये ले लिया, ये एक अभिक्रिया ले लिया। तो ये क्या होता है? HCl क्या होता है? ये दो अम्लों का मिश्रण होता है और इसे अम्ल राज बनाने में उपयोग किया जाता है। और इस अम्ल राज HCl को हम क्या कहते हैं? अम्ल राज कहते हैं। और यह क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसका उपयोग किसमें क्या करते हैं? हम अम्ल राज बनाने में क्या करते हैं। और यह क्या होता है? यह दो अम्लों का मिश्रण होता है। यह चरणों
3+3HCl या मिलके हमारा क्या अम्लराज बनाते हैं। और इस अम्लराज का उपयोग किस में किया जाता है, हमारा ईचिंग में किया जाता है। इस अम्लराज का उपयोग हम ईचिंग में करते हैं और यह एक स्ट्रांग एसिड का रूप है HCl। और HCl का बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाओं में हम उपयोग करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, और यह एक स्ट्रांग एसिड का टाइप है। और यह जो HCl है यह भी जल के साथ अभिक्रिया करने के पे H+ आयन देता है, H+ Cl-, यानी हमारा यह भी जल के साथ अभिक्रिया करके H+ आयन देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दो अम्लों का मिश्रण होता है और इसे अम्लराज बनाने में उपयोग किया जाता है। और क्या होता है यह ईचिंग में प्रयोग किया जाता है। तो यह हो गई हमारे स्ट्रांग एसिड के टाइप्स हो गए। कुछ एसिड जो होते हैं हमारे वीक एसिड होते हैं, जैसे कि फार्मिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया। ये सारे एसिड जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं, वीक एसिड में होते हैं। तो वीक एसिड के मैंने क्या क्या नाम बताया, वीक एसिड में कौन सा होता है, कार्बोक्सिक एसिड होता है, फॉर्मिक होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है। ये सारे हमारे कैसे एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं। तो लिख देते हैं कुछ टाइप हम वीक एसिड के बारे में। ये हमने पढ़ा स्ट्रांग एसिड के बारे में, जिसमें क्या क्या था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3, नाइट्रिक एसिड के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वीक एसिड के बारे में। तो क्या होता है वीक एसिड, वीक एसिड में कौन कौन से एसिड होते हैं, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड कहां पाया जाता है, या चींटियों में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। और इसके बाद आता है क्या हमारा लैक्टिक एसिड, और बहुत सारे एसिड है, एसिट्रिक एसिड और वो फॉर्मिक एसिड, कार्बोक्सिक एसिड, ऐसे बहुत सारे एसिड है जो क्या होते हैं हमारे वीक एसिड के अंदर आते हैं। तो हमने पढ़ा स्ट्रांग एसिड के बारे में और वीक एसिड के बारे में, जिसमें स्ट्रांग एसिड में हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड। और हम एसिड की पहचान कैसे करेंगे, एसिड जो है जल के साथ घुल के कैसा आयन देता है, हमें H+ आयन देता है। और जो क्षार होता है वह जल के साथ घुल के कैसा आयन देता है, OH- आयन देता है। और लवण कैसे बनता है, या अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करने पे लवण तथा जल के रूप में प्राप्त होता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, अम्ल के प्रकार, और अम्ल में कौन से स्ट्रांग एसिड होते हैं और कौन से वीक एसिड होते हैं, और इसके बाद हमने पढ़ा क्षार कैसा होता है और लवण क्या होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कुछ लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है। तो इस तरह कुछ एसिड जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है या किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है हम। लेकिन हाँ, आपके एग्जाम में अगर ये पूछे कि कौन से अम्लराज होते हैं या कौन से एसिड स्ट्रांग एसिड होते हैं, तो उसमें आप लोग सबसे पहले देखिएगा H2SO4 के बारे में, HNO3 के बारे में और HCl के बारे में। ये हमारे स्ट्रांग एसिड के अंदर आते हैं, और ये बाकी सारे एसिड जो कौन से होते हैं, वीक एसिड के अंदर आते हैं, फॉर्मिक एसिड, कार्बोक्सिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारे हमारे वीक एसिड के अंतर्गत आते हैं। और जो होता है इसमें हमने बताया, क्या बताया, कि HNO3 जो होता है यानी नाइट्रिक एसिड जो होता है वह विस्फोटक बनाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कौन सा अम्ल जो है विस्फोटक बनाने के उपयोग में, तो HNO3 जो होता है वो विस्फोटक बनाने के काम आता है। अब उस और H2SO4 कहाँ यूज़ किया जाता है, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन है कि बैटरी में कौन सा अम्ल यूज होता है, तो H2SO4 अम्ल जो होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, वो बैटरी में यूज़ किया जाता है। तो हमने इतना पढ़ा, अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं, हाँ, लैक्टिक एसिड जो होता है वह कहाँ पाया जाता है, विनेगार, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो कुछ एसिड जो है और उसमें कहाँ हुआ पाया जाता है उसके बारे में मैं नोट कर दे रही हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चाय। चाय में भी हमारा क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, यानी कि अम्ल पाया जाता है। तो चाय में कौन सा एसिड पाया जाता है, टैनिक एसिड पाया जाता है चाय।
फिर इसके बाद सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलेइक एसिड पाया जाता है। लीमन, ऑरेंज और जो फ्रूट्स होते हैं, कुछ लीमन ऑरेंज और जो खट्टे फल होते हैं उसमें कौन सा पाया जाता है? लीमन और ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है? लीमन यानी कि नींबू। और संतरे में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू और संतरे में, साइट्रिक एसिड पाया जाता है इसमें। दूध और दही में कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सेब में मैलेइक एसिड पाया जाता है। चाय में टैनिक एसिड पाया जाता है। और इसमें नींबू और संतरे में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ये मैंने कुछ कुछ चीज़ें लिखी और उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है उसके बारे में मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। प्रोटीन में एमिनो एसिड पाया जाता है, एक प्रोटीन। प्रोटीन में कौन सा एसिड पाया जाता है? एमिनो एसिड पाया जाता है। तो मैंने कुछ पदार्थों का नाम लिखा और उसमें कौन सी एसिड पाई जाती हैं इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद आता है हमारा सिरका। एमिनो, प्रोटीन में एमिनो एसिड पाया जाता है। चाय में टैनिक एसिड पाया जाता है। सेब में मैलेइक एसिड पाया जाता है। नींबू और संतरे में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। और दूध और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अब सिरके में कौन सा पाया जाता है? सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, यानी विनेगार। सिरके को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विनेगार। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ये हो गए हमारे कुछ पदार्थ और उनके उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है उसके बारे में। अगला हमने आज की वीडियो में क्या किया जाना, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है और अम्ल किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन से स्ट्रांग एसिड होते हैं, कौन से वीक एसिड होते हैं, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, उनके प्रकार क्या, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हमने अम्ल और क्षार और लवण के बारे में पढ़ लिया। अब हम अगले वीडियो में दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम एज अ पेपर जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन भी हम आपको PDF में सॉल्व करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स इट। नमस्कार।